राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी लखनऊ में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस बलिदान दिवस पर पूरे देश में शोक का वातावरण है। आज कांग्रेस की संपूर्ण श्रेष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने का काम किया और हम सभी एक संकल्प लेकर जा रहे हैं। वह इस मौके पर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से बाहर होने पर उन्होंने कहा कि ये गठबंधन बहुत बड़े खतरे से बच गया है। यह कर्तव्य और यह संकल्प हम लोगों ने लिया हुआ है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों 26 जनवरी से लेकर और आज तक प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के हमारे 844 ब्लॉक की इकाइयों ने इसी संदेश को लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा माने राहुल गांधी जी के समर्थन में हर ब्लॉक से लेकर मुख्यालय तक वो लोग बढ़े हैं। आज प्रदेश के 75 मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार की यात्राएं और भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में गांधी जी को पुष्पांजलि देते हुए रामधुन के साथ उनका स्मरण करते हुए राहुल जी के साथ अपनी एकता, अपनी ताकत, अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय राहुल गांधी जी को पूरे देश का भ्रमण करते हुए पूर्व से पश्चिम की इस यात्रा में जिस प्रकार का समर्थन, जोश और लोगों का साथ मिल रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी यात्रा का, उसका संदेश कितना सफल होने जा रहा है। आने वाली चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव, ये भी हम सब लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण है और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं लेकिन पूरे देश में इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी इन्हीं विचारों को लेकर एक साथ आकर संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्यरत हैं और सफल होंगे। और दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की का जो कुशासन है उससे देश